नमो बुधाय, जय भीम, जय संविधान, जोहार साथियों। आप सबसे एक अपील है, आने वाले 21 अगस्त 2024 को बेहद शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हमें भारत बंद करना है। मैं तमाम बहुजनों से, तमाम न्याय पसंद लोगों से ये अपील करता हूँ कि इस भारत बंद में कृपया हमारा साथ दीजिए। आपको सबको पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 को एक निर्णय सुनाया और उसमें सरकारों को लगे हाथों एससी एसटी आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर लागू करने की सलाह भी दे डाली। अनुसूचित जातियों को वर्गीकरण देने का उन्होंने एक आदेश भी दे दिया, लेकिन उस आदेश में जाति जनगणना, आर्थिक व शैक्षणिक सर्वे को कंपलसरी किया। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जजमेंट जो तमाम दलित पिछड़े आदिवासियों की हकमारी करने वाला है, जहां एक तरफ केंद्र की सरकार लेटरल एंटी के माध्यम से 90 के करीब पहले जॉइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स लगा चुकी है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी की हकमारी हुई है, और अभी 2 दिन पहले एक विज्ञापन आया जिसमें 45 जॉइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स डायरेक्ट भर्ती किए जा रहे हैं, और इन तमाम लेटरल एंट्री में कहीं भी सरकार ने एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण देने से साफ साफ इनकार कर दिया। और ये मेरी शिकायत उन सरकारों से है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकारें, जहां जहां पब्लिक फंड्स इन्वॉल्व होता है, जहां सरकारी पैसे से तनख्वाहें दी जाती हैं, चाहे वो वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पे निकले, चाहे वो किसी प्रकार की फेलोशिप हो, चाहे वो कहीं पे एडवाइजर या कंसल्टेंट रखे जाएं, आप जो भी क्वालिफिकेशन रखना चाहते थे रखिए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों में भी उस तरह की क्वालिफिकेशन वाले क्वालिफाइड लोग अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप उसमें लिख देते हैं कि एससी एसटी ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो आप तो पहले ही उसमें उनके संवैधानिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को, राइट ऑफ इक्वेलिटी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(4), 16(4) का उल्लंघन कर रहे हैं। आप संविधान के खिलाफ हैं। वो सारी सरकारें, चाहे वो एडवाइजर नियुक्त करें, चाहे वो फेलोशिप निकाले, चाहे वो कंसल्टेंट नियुक्त करें, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकाले, अगर वो रिजर्वेशन उसमें लागू नहीं करती, चूंकि भारत सरकार का एक आदेश है, सुप्रीम कोर्ट्स की भी उसमें जजमेंट है कि अगर 45 दिन से ज़्यादा के लिए कोई भी भर्ती की जाती है, उसमें आपको रिजर्वेशन लागू करना पड़ेगा, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व उनको देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो ये उनकी हकमारी है, ये खुलेआम संविधान का उल्लंघन है। तो एक तरफ लेटरल एंट्री के माध्यम से केंद्र की सरकार, यहाँ तक कि कई राज्यों की सरकारें भी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग की हकमारी कर रही है, और दूसरी तरफ शिक्षा को इतना महंगा कर चुके हैं कि पैसे के अभाव में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के साथ साथ जनरल कैटेगरी के भी जो गरीब लोग हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो 15 लाख 20 लाख 25 लाख का प्रोफेशनल डिग्री कराने का खर्चा नहीं उठा सकते, उनके भी साथ अन्याय हो रहा है। 99% एससी एसटी, 98% ओबीसी एंड माइनॉरिटीज अपने बच्चों की प्रोफेशनल डिग्रीज कराने के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज से ये 15 20 25 लाख का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। जनरल कैटेगरी के भी 80% लोग इतना भारी भरकम खर्च नहीं उठा सकते। आखिर ये सरकारें किसके लिए काम कर रही हैं? तो एक तरफ शिक्षा को तो महंगा करके शिक्षा छीन लिया, ऊपर से कह रहे हैं कि इन सब वर्गों को हिस्सेदारी नहीं मिली है, कुछ ही जाति सारा हक ले गई है। जब कोई एग्जाम में बैठता तो क्या किसी एक जाति के लोगों को सिलेक्शन किया जाता है? उसमें तो तमाम अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग जो रिजर्वेशन से अप्लाई करते हैं, उनको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी गई है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वो क्वालिफिकेशन चाहिए,
रिटर्न टेस्ट है, रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें तो कोई जाति नहीं देख रहा है, जो उसमें क्वालिफाई करेगा उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर उस क्वालिफिकेशन अर्जित करने पर शिक्षा को महंगा करके उस समाज को वंचित कर देते हैं तो वो मुख्यधारा में आएगा कैसे? दूसरी तरफ आपने ज्यादातर सरकारी नौकरियों को प्राइवेटाइज कर दिया, एक एक करके सारे सरकारी संस्थान, चाहे वो रेलवेज हो, एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, एयर इंडिया हो, या इसके साथ साथ आईटीडीसी के होटल हो, बालको हो, नालको हो, गैस कंपनियां, पेट्रोल कंपनियां, और इसके साथ साथ बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां, जब सब कुछ ही आपने बेच दिया तो नौकरी बची कहां है? और कहीं थोड़ी बहुत बची भी है तो वहां लेटरल एंट्री से कॉन्ट्रैक्ट पे ठेकेदारों को फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह ठेकेदारी प्रथा में दे दिया है। आप तो पहले ही इन गरीब वर्गों से उनका हक छीन चुके हो, तो ये वर्गीकरण उपवर्गीकरण करके उनको हिस्सा देना है, ये ढोंग क्यों? हमारे भी कुछ भोले समाज के लोग इसमें बहकावे में आ गए। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, आप सब आगे बढ़े, आपको तरक्की हो, आपको पढ़ने लिखने का अच्छा अवसर मिले, आपको भी नौकरियों में बराबर हिस्सेदारी मिले, ये मांग हम भी करते हैं। लेकिन सरकारों को चाहिए कि कम से कम उनके पढ़ने के लिए उस तरह का वातावरण तो दे, उनकी पढ़ाई का खर्चे का इंतजाम तो करे। आज तो माहौल ऐसा कर दिया कि जिसके पास पैसा केवल वो पढ़ पाएगा, चाहे वो अनुसूचित जाति की भी कोई जाति हो, कोई भी उपजाति हो, अगर उसके पास भी पैसा नहीं है वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, तो फिर वो कंपटीशन में आएगा कैसे? और ऊपर से क्रीमी लेयर लागू करने का एक सलाह दे डाली कोर्ट ने। आखिर क्यों? किसने मांगी आपसे सलाह? किसने मांगी है क्या आपको? इसलिए तो कोर्ट के अंदर नहीं बिठाया। ये कोलिजियम सिस्टम देश के साथ धोखा है, देश के संविधान के साथ धोखा है। ये खास तौर पर उपेक्षित वर्गों की हकमारी करने में लगा है। एक पर्टिकुलर माइंडसेट के लोग आज जुडिशियरी में, सुपीरियर जुडिशियरी, हायर जुडिशियरी में पहुंच गए, वहां से हमें अब न्याय की उम्मीद बची नहीं है। इसीलिए अपने न्याय की मांग करने के लिए लेटरल एंट्री के खिलाफ, क्रीमी लेयर के खिलाफ, उपवर्गीकरण के खिलाफ, और हमें आपस में जो लड़वाने की, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को जो जातियों में बांटकर उन्हें आपस में लड़वाने की जो साजिश है, उस साजिश के खिलाफ 21 तारीख को जो भारत बंद की अपील की गई है तमाम बहुजन संगठनों ने की है। मैं मिशन जय भीम के माध्यम से भी और अपनी पूरी टीम के माध्यम से उसका न केवल समर्थन करता हूं बल्कि समस्त देशवासियों से अपील करता हूं जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में भरोसा करते हैं, कृपया आप लोग इस शांतिपूर्वक भारत बंद में शामिल होइए। लेकिन किसी भी प्रकार की सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। किसी की गाड़ी अगर हॉस्पिटल जा रही है, अपने इलाज के लिए कोई जा रहा मरीज, उसको नहीं रोकना है। किसी की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। बेहद शांतिपूर्वक तरीके से बाबा साहेब के संविधान को हाथ में लेके, संवैधानिक तरीके से अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए आपको भारत बंद को सफल बनाना है और इस बहुजन आंदोलन को तेज करना है, लेटरल एंट्री को रुकवाना है, संविधान को पूरी तरीके से भारत में लागू करवाना है और तमाम क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व हमारे समाज के लोगों को मिले उसकी लड़ाई को मजबूत करना है। और ये जो सरकारों की तानाशाही है, कहीं पे वो एडवाइजर रख रहे हैं, कहीं पे फेलोशिप निकाल रहे हैं, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा लागू कर रहे हैं, इस तरीके से जो हमारी हकमारी हो रही है उसको रोकने की ये लड़ाई हम लोग मिल के लड़ेंगे, इकट्ठा होकर लड़ेंगे, आपस में प्यार फैलाएंगे, भाईचारा फैलाएंगे। आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जोहार। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 Live को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 Live, सदैव आपके साथ।